हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फार क्राई प्राइमल की स्टोरी को। इस गेम के प्रोटैगनिस्ट का नाम टक्कर होता है, जो विंजा ट्राइब का एक हंटर होता है। टक्कर अपने विंजा ट्राइब के साथ एरोस वैली में जा रहा होता है और इसी बीच ये लोग हंटिंग कर रहे होते हैं। तभी इन लोगों पर सर्वर टाइगर हमला कर देता है। इस हमले में टक्कर के ट्राइब वाले मारे जाते हैं। आगे टक्कर एरोस वैली ढूंढने निकल जाता है। उसी बीच उसे साइला मिलती है। तभी सर्वर टाइगर साइला पर हमला कर देता है, लेकिन वहाँ से टक्कर और साइला बाल बाल बचते हैं। उसके बाद टक्कर और साइला फाइनली एरोस वैली पहुंच जाते हैं। तभी साइला टक्कर को उदम ट्राइब के लीडर उल के बारे में बताती है, जिसने बहुत सारे विंजा लोगों को मार दिया और विंजा वैली तबाह कर दिया। साइला बताती है कि विंजा लोग अब एरोस वैली में स्कैटर्ड हो चुके हैं और होमलेस हो चुके हैं। तब टक्कर उन लोगों को फिर से ढूंढने निकलता है। तब टक्कर की मुलाकात टेंसे द शामन से होती है, जो कि विंजा ट्राइब का शामन होता है, जो टक्कर को कोई सीक्रेट रेड ब्लड पोशन पीने को देता है, जिससे टक्कर एनिमल को टेम कर सकता है। उसके बाद टक्कर एक व्हाइट उल्फ को टेम कर लेता है। टेंशय अब रियूनाइट होने के लिए साइला के विलेज में चला जाता है, और जब उल को ये बात पता चलती है कि विंजा रियूनाइट हो रहे हैं, तब वे विंजा विलेज पर अटैक कर देता है, लेकिन टक्कर उनसे फाइट कर के उन्हें भगा देता है। फिर टक्कर वेंजा विलेज को मजबूत करने के लिए तीन डिफरेंट वेंजा को रिक्रूट करता है। पहली होती है जायमा द हंटर, दूसरा होता है ओगा द क्राफ्टमैन, और तीसरा करुश, जो एक वॉरियर होता है। इस सब के बाद टक्कर उदम के कमांडर दाह को कैप्चर करता है और उसे केज में कैद कर देता है, लेकिन वेंजा लोगों को ये बात पसंद आती नहीं, मेरी जाति नहीं, और वे लोग दाह को मारने के लिए ले जाते हैं, लेकिन टक्कर दाह को बचा लेता है। इस बात से दाह टक्कर को रॉटन वेंस बनाने में मदद करता है। फिर टेंशय द शामन टक्कर को इजिला ट्राइब के बारे में बताता है, जो ट्राइब वेंजा लोगों को स्लेवरी के लिए यूज करते हैं। तब टक्कर इजिला कैंप में जाकर वेंजा लोगों को फ्री करता है, लेकिन टक्कर को इजिला लोग कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन टक्कर बच जाता है। उसके बाद टक्कर इजिला ट्राइब के कमांडर रोशनी को कैप्चर कर लेता है। फिर रोशनी वेंजा लोगों को फायर बॉम्ब बनाना सिखाता है और इजिला ट्राइब के सीड चुराने को कहता है, जिससे वेंजा लोगों को सीड ग्रो करने और खाना जुटा सके। फिर टक्कर सीड ले जाता है और रोशनी को फ्री कर देता है, और रोशनी विंजा विलेज में सेटल हो जाता है। फिर टेंसे टक्कर को इजिला की वीकनेस बताता है कि बटरी का एक बेटा था जिसका नाम क्रैती था, जिसने अपनी मदर को धोखा दिया था। फिर बटरी ने क्रैती को जिंदा जला दिया और क्रैती मर गया था, और इजिला लोगों ने क्रैती के मास्क को टेम्पल में रख दिया, क्योंकि इजिला लोगों को लगता है कि वो मास्क हॉन्टेड है। तब टेंसाई टक्कर को मास्क ले आने को कहता है। टक्कर मास्क ले आता है। फिर टक्कर इजिला पे अटैक कर देता है और विंजा लोगों को फ्री कर देता है, और क्रैती के मास्क को पहनकर वो बटरी को सक्सेसफुली डिफीट कर देता है, बटरी को जिंदा जला देता है। फिर टक्कर विंजा विलेज जाता है और सब को विक्ट्री के बारे में बताता है, और तब वे सब लोग विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। अब बारी होती है उदम्स की। इसके लिए टक्कर साइला से मिलता है, लेकिन उदम के पोर्ट में पॉइजनस फ्यूम्स होती है। इससे बचने के लिए एक एंटीडोट बनाने के लिए साइला टक्कर को एक रेयर येलो लीव लाने को कहती है, लेकिन जब ही टक्कर लीव ढूंढ लेता है, तभी उदम टक्कर को कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन टक्कर बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग जाता है और साइला को रेयर येलो लीव देता है। फिर एंटीडोट बनाने के बाद टक्कर उदम फोर्ड पर अकेले ही अटैक कर देता है और फाइट के बाद उल को मार देता है, और उल के बच्चे को और उसकी बेटी को विंजा विलेज ले आता है, और सब विंजा लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद गेम का क्रेडिट खत्म होने के बाद उल की बेटी एक क्यों बियर को टेम कर लेती है टक्कर की तरह।